इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी शेयर्स, यानी यहाँ पर आप एक यूनिट के ओनरशिप होते हैं कंपनी में। मान लीजिए 1 करोड़ यूनिट का कोई कंपनी का शेयर है, कंपनी के शेयर से डिवाइडेड है 1 करोड़ यूनिट्स में, उसमें अगर एक यूनिट खरीदे तो आप एक ही यूनिट के मालिक होंगे, यानी एक फ्रैक्शनल ओनरशिप का, यानी एक फ्रैक्शन ऑफ ओनरशिप आपके हाथ में, इसका फ्रैक्शनल ओनर कहलाते हैं आप। जो होल्डर होगा इक्विटी शेयर्स का उसको वोटिंग राइट भी रहेगा और डिविडेंड भी मिलता है। जो भी अकाउंट होल्डर है, सॉरी इक्विटी होल्डर है, उसको क्या मिलेगा, वोटिंग राइट भी मिलता है और डिविडेंड भी मिलता है। राइट इशू या शेयर इशू किसको बोलते हैं, है ना, ये देखिएगा, राइट इशू या फिर राइट इश्यू और राइट शेयर्स हम किसको बोलते हैं। बेसिकली ये रेफर करता है जहां पे इश्यू की जाती नई सिक्योरिटीज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, समझे बात, ये क्या होता है, राइट इश्यू उसको बोलेंगे या फिर आप राइट शेयर्स उसको बोलेंगे जहां पे आप इश्यू करें एग्जिस्टिंग, मतलब आपके पास ऑलरेडी शेयर होल्डर्स है और उसको आप नया सिक्योरिटी देते हो, तो उसको हम राइट इश्यू या फिर राइट शेयर्स बोलते हैं। बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स क्या होता है, कंपनी टाइम टू टाइम इश्यू करती है 1:1 बोनस, 1:2 बोनस, 2:1 बोनस, ठीक है, ताकि उसके जो स्टेक होल्डर्स है, जो भी उसके शेयर होल्डर्स है, उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाता है, बोनस शेयर्स, ठीक है। प्रेफर्ड स्टॉक्स या प्रेफरेंस स्टॉक्स, तो प्रेफर्ड स्टॉक्स या प्रेफरेंस स्टॉक्स के पास किसी भी तरह का कोई वोटिंग राइट नहीं होता है और ऑनर्स यहाँ पे इंटरटेनमेंट होते हैं, जो भी ऑनर है उनको इंटरटेनमेंट है, कोई रिसीव कर सकते हैं फिक्स्ड डिविडेंड, क्या रिसीव कर सकते हैं, फिक्स्ड डिविडेंड, हमेशा उनको इतना टाइम पे फिक्स्ड डिविडेंड मिलते रहेगा। और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनके पास अधिकार होता है या उनके पास राइट होता है कि वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले उनको प्रायोरिटी मिलेगा, ठीक है, यानी जो आप समझे प्रेफरेंस स्टॉक से प्रेफरेंस शेयर से, तो इसमें क्या कि आपको अधिकार है, क्या अधिकार है आपको, यहाँ पे दोनों जगह स्टॉक्स हो गया, एक्चुअली शेयर से आपको क्या अधिकार है कि आपको प्रायोरिटी मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, ठीक है, जहां पे डिविडेंड पे करना है सबसे पहले आपको डिविडेंड पे किया जाएगा। अगर मान लीजिए कंपनी वाइंड अप होती, कंपनी को बंद कर रहे हैं, तो उस केस में शेयर होल्डर्स को पैसा बाद में मिलेगा क्रेडिटर्स से, यानी जो लोन दिया उसको सबसे पहले पैसा मिलेगा, बॉन्ड होल्डर्स को पैसा मिलेगा, डिबेंचर होल्डर्स को पैसा मिलेगा, और उसके बाद आपको मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, पर इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलेगा। किससे पहले मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलेगा। कैलकुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, कैलकुलेटिव प्रेफरेंस शेयर उस शेयर को बोलते हैं जहां पर डिविडेंड एक्युमुलेट होते रहता है और वो अनपेड रहता है, ठीक है, मतलब अगर कैलकुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोला जाए तो उस तरह का प्रेफरेंस शेयर होता है जहां पर क्या होगा, डिविडेंड एक्युमुलेट होगा, अगर आपको डिविडेंड पे नहीं हुआ है तो डिविडेंड पे नहीं हुआ आपके अकाउंट में, एक्युमुलेट होता रहेगा, जमा होता रहेगा। कैलकुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ये उस तरह का प्रेफरेंस शेयर है जहां पे डिविडेंड को कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, क्या होगा, डिविडेंड एक्युमुलेट होता रहेगा आपके अकाउंट में, ठीक है, और बाद में एक सर्टेन लेवल तक एक सर्टेन अमाउंट का डिविडेंड हो जाता है, उसके बाद आप इस डिविडेंड से कन्वर्ट कर दिया जाता है शेयर्स में, वो शेयर्स यानी इक्विटी शेयर्स आप खरीद सकते हैं, ठीक है, ओके, और यही चीज रहता है इसमें। फिर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स बोलता है कि यहां पे प्रेफरेंस मिलता है शेयर होल्डर्स को कि आप पार्टिसिपेट कर सके जो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होता है कि यहां पे उस तरह के प्रेफरेंस शेयर्स को रेफर किया जा रहा है जो कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रॉफिट में, स्पेसिफाइड उनको डिविडेंड मिलेगा जो भी उनको मिलना है या जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल में है। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है, ये पार्टिसिपेट करते हैं कहां पे, प्रॉफिट्स में, ठीक है, और इनको एक फिक्स्ड डिविडेंड भी मिलता है। अब आइए सिक्योरिटी रिसिप्ट में, सिक्योरिटी रिसिप्ट इश्यू करने वाली कौन है, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी या रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वो कंपनी होती है जहां पे लोन खराब हो गया यानी बैड एनपीए हो गया, तो वो कंपनी खरीद लेती है बैंक से वो उस तरह का लोन को या उस तरह के एसेट्स को, और फिर अपने हिसाब से वो रिमोडिफाई या जो भी कही वो अपने हिसाब से काम करती है, ठीक है। तो यहां पे खरीदने वाली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बोरोवर्स खरीदती है। जी सेक मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है इसका, अगर शॉर्ट टर्म शॉर्ट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तक बोलेंगे अगर आपका एक साल से कम पीरियड का है, और लॉन्ग टर्म डेटेड या लॉन्ग डेटेड बोलते हैं जब 7 साल से ऊपर की अगर सिक्योरिटी है उसको लॉन्ग डेट बोलते हैं। एक साल से कम पीरियड का गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू होता है और ज्यादा से ज्यादा 30 साल तक का गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू किया जा सकता है।
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जीरो कूपन बॉन्ड भी आ जाएगा आपको, जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जहां पर कोई भी इंटरेस्ट आपको पे नहीं होगा, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है प्रिंसिपल्स में, जैसे हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। बॉन्ड्स में ये बॉन्ड्स क्या होता है, नेगोशिएबल सर्टिफिकेट है, या नेगोशिएबल सर्टिफिकेट बोल लीजिए, या ट्रांसफरेबल सर्टिफिकेट बोल लीजिए, नेगोशिएबल का ही मतलब होता है ट्रांसफरेबल। और नॉर्मली ये सब सिक्योर्ड होती है, पर कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनसिक्योर्ड होता है, ठीक है। ये सारा पॉइंट्स आप कॉपी में नोट आउट कर लीजिए। यहाँ पे एक मेगा ऑफर और ऑफर लिमिटेड पीरियड तक है, यहाँ पे आपको जेएबीएल सेबी कोर्सेज कराई जाती है, सारी कोर्सेज ऑनलाइन मोड पे होता है। यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, जिसकी मदद से वीडियो लेक्चर कोर्सेज दे सकते हैं, केस स्टडी का वीडियो दे सकते हैं, 2006 क्वेश्चन बैंक रहेगा, क्विक फ्यूचर नोट रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा, लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी रहेगा। अगर आप जेएबी का प्रिंसिपल्स और लीगल कोर्स करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वीडियो, तो 600 रुपये दाम है। फेस टू फेस वीडियो कोर्स करते हैं तो दाम है 1200 रुपये। अगर आप जेबी का अकाउंटिंग पेपर का वीडियो करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, तो इसका दाम है 800 रुपये। और फेस टू फेस वीडियो कोर्स का दाम है 1500 रुपये। जेबी का कॉमो पेपर करते हैं, रिज्यूम पेपर एक साथ करते हैं, तो पीपीटी में दाम है इसका 1500 रुपये। और फेस टू फेस वीडियो कोर्स का दाम है 3000 रुपये। अगर आप सीआईबी का एबीएम बीएफएफ रिटेल बैंकिंग कोई भी पेपर करते हैं, इसका दाम है पीपीटी कोर्स में 800 रुपये। और फेस टू फेस वीडियो कोर्स का दाम है 1500 रुपये। सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर यानी एबीएम प्लस बीएफएम करते हैं, दाम है 1500 रुपये पीपीटी में, और 2700 रुपये दाम है फेस टू फेस वीडियो कोर्स में। सीआईबी का बहुत कंपलसरी पेपर यानी एबीएम प्लस बीएफएम प्लस रिटेल बैंकिंग करते हैं, इसका दाम है 2000 रुपये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। और फेस टू फेस वीडियो कोर्स का दाम है 3500 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं, फोन नंबर हो गया 4x9685127, दूसरा नंबर 7825464946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो गया www.jbcibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो गया seedsinha123@gmail.com।